राज्य आज 31 जुलाई 2011 है। आज हमें भवनेश्वर जाना था, बुखार आ गया, मैं 3 दिन से बुखार में। और कल हमारे सिविल जज साहिबा की ओर से काफ़ी बड़ा वोट हुआ था और काफ़ी लोग रहे, बड़े हमन हुए, पूजन हुए वगैरह वगैरह। जो ये बच्चिया बचपन से मेरे यहाँ पढ़ी है, और एक गधा जो है, एक गधा जिसका मैंने इलाज किया, हमका पकड़ा लो, हाँ, बस बनाते रहो, जब ये सब एक्शन चले। अब आप ये देखें कि मनुष्यों की अपेक्षा ये कितना कठिन काम है, मनुष्यों की सेवा के अपेक्षा कितना कठिन काम है, इसीलिए कोई नहीं करता। चाहे गाय हो चाहे गधा हो, एक गधा भी अंदर है जो 9 जून से हमारे यहाँ वो एडमिट है। अब उसकी इसकी दोस्ती हो गई, हमने घर से उसको निकाल दिया, वो मेरा घर नहीं छोड़ रहा। हमने अच्छा भैया पड़े रहो, हमारी लड़कियों ने कहा सेवा में पैसा तो लगाती है लेकिन प्रचार प्रसार में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? उनको जानकारी नहीं। आज सूबेदार इसके वाजपेयी आए थे, एक विद्वान आदमी है मिलिट्री के, सूबेदार इसके वाजपेयी, उन्होंने कहा कि साधु जी आप विश्व के अनोखे व्यक्ति जाने जाएंगे, यहाँ तो मरने के बाद ही सब कुछ होता, तो आप जो कार्य कर रहे हैं वो सब बन रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है। तो अब अपने बच्चों से या लड़कियों से कुछ मदद मांगते हैं, जरा सीडी बना दो, जरा कैमरा चला दो, सबका बहुत गुस्सा करते हैं। ये जीने निकाल दीजिए अंदर है जो नहीं, अच्छा जो कल होंगे हमारे हमें निकले, ये अंदर जरा गुस्सा मुझके भर दिया। तो अब यहाँ अस्पताल के चौराहा इतना कंजेस्टेड है, सारी सैया काम चौराहे पर। अब कल किसी बस वाले ने दो गाय को ठोकर मारा, और दो एक बछुआ एक गाय, और दोनों की हड्डी पसली टूट गई, क्या हुआ, बहरहाल वो अस्पताल में लोगों ने डाल दिया। अब अस्पताल वाले उसका इलाज करेंगे, सब करेंगे। लोगों ने हमसे कहा कि आप अस्पताल वालों को इसका सीधा बोल रहे करने का, महाराज अब हमको जाने दीजिए, हमारा तो रोज इससे काम होता है, यही हमारे हाथ है। अभी बोला जाया श्री राम है बहुत पुराने, इनको बोला जाए क्यों, अकेले बस की बात नहीं है, ना हमारी बेटी हमारे पास में है, नहीं हमारी बेटियां गीता है, चाहे अंजनी होती तो हम लोग इसका देसी स्वयं करते। उन्होंने सुअर और कुत्तों का किया है, कुत्ता महा खतरनाक जानवर होता है, कभी भी काट सकता है, इस समय पानी काफ़ी जोर से बरस रहा है। तो कहने का मतलब इसलिए बनाते हैं ताकि लोगों को नसीहत मिले, हमको ये सीडी दिखा के हम प्रचार करके कुछ लेना नहीं चाहिए, न पद और न पैसा। बहुत सालों पहले अखबार में, दैनिक जागरण जैसे अखबार में छपा था कि श्याम साधु जी ने मेनका जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, सोच लिया, दुनिया जी का एक गिलास पानी मैं नहीं जानता हूँ, एक गिलास पानी का कि टिकट तो जाने दी दिया, हाँ सही बात हो गया। और उनके लिए मैंने 24 दिन का अनशन किया, और सोनिया जी का एक खैर महानता थी, बड़प्पन थी, तो चौराहे पर हमें हाथ जोड़ के मनाया, तब मैंने अपना अनशन समाप्त किया था, है ना। तो हम ये नहीं कि हम कांग्रेस का विरोध करें, जो सही काम करेगा, भाई राम मंदिर का ताला कांग्रेस में खुलवाया है ना। अब सब सारी पार्टियों में अच्छाई है, जो अच्छाई है वो कहो। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया कांग्रेसियों ने, तो जो अच्छा काम किया है वो तो कहो भाई, ये थोड़े कि इसका भाई खराबी तो सब में है, जो बड़ा डीन हक्के हक्के हैं, हमारी पार्टी बड़ी अच्छी है। तो आपकी पार्टी को जनता ने दूध के मक्खी जैसा निकाल के क्यों फेंका, जयराम जी की जवाब चाहिए हमको, है ना। कोई जवाब नहीं होगा आपके पास,
तो सीढ़ी में बनने का मतलब यही होता है कि लोग देखो समझो करो, खुद से करो, ये बहुत बड़ी शांति क्रिया है। तो श्री राम वहाँ अभी चाय नहीं पियोगे? चाय पियो तो दो मिनट में बन जाएगा। पानी आए, पानी बरसता है, कहाँ जाओगे? हाँ, तो अब हम वाणी को विराम देते हैं, श्री राम जी को चाय पिला के हम विदा करेंगे। ओम जय श्री राम। मैं वाणी